आ गया लाइव। आ गया तुम लोग घर से, कैसा था तुम लोग का छठ? अच्छा था? क्या लेके आई घर से? कुछ नहीं, कुछ नहीं लेके आई। एक लड़का कल बोला कि सर आपके लिए कल पेड़ा लेकर आए हैं, वो आज आया ही नहीं है। फोन तो था। नहीं, वो नहीं था, कोई और था, वो आज दिख नहीं रहा है। क्या पढ़ रहे थे हम? टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, लिखा हुआ वही पढ़ रहे थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कहीं दिखा रहा तुमको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट? आज पूरा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ जाएंगे। नहीं है इससे पहले, इसका मतलब होगा प्राइमरी सेकेंडरी है। पहला इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी सेकेंडरी है ना? उससे पहले क्या था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से पहले? मेथड ऑफ मेजरमेंट में। नहीं, इसमें क्या नीचे है? चलो, कोई है ऑनलाइन लाइव? कोई है? कोई है तो कर दो हाय हेलो। एक क्लास में बैठ के गुड मॉर्निंग कर रहा है लड़का। क्लास में सर आते हैं तुम्हें तो रिप्लाई नहीं करता है कहीं। सूरज, लकी, ये दोनों भी क्लास में ही है। चल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास तक बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको बताए थे, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास टोटल कितने टाइप का है पता नहीं, छह बेस पर डिवाइड किए थे। टोटल कितने टाइप का था, क्या वो इंस्ट्रूमेंट था? अब गिन दे उधर देख। ओवरऑल तो 6 गो बेस है ना, इंस्ट्रूमेंट क्या गो है? 16 गो इंस्ट्रूमेंट। देखो ना, दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टाइप का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तुम बोले थे ना कि इस तरीके से लिखना, तुम लोग चार्ट बना के लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, तुमको बोले थे ना कैसे करके लिखा है कि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हम लोग को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है उसको तीन पार्ट में बांटे थे। कौन कौन सा? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा बेस्ड ऑन सिग्नल, सिग्नल के आधार पर इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का था, कौन कौन सा? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोसेस के आधार पे, ठीक है, या एक्टिविटी के आधार पे तीन टाइप का था, कौन कौन सा? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारा तीसरा नेक्स्ट था बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर या ऑपरेटर, कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? दो टाइप का, कौन कौन सा? मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, या मैनुअली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बेस्ड ऑन द पावर, पावर के आधार पे इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप में बांटे थे, कौन कौन सा? सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद लास्ट क्या था?
टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड के आधार पे दो टाइप का, डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट और नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा लगभग टोटल 16 टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में देखोगे तो 16 टाइप नहीं है, लगभग 5 या 6 टाइप पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो सारा पढ़ लेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को दो दो टाइप में बांटे हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगाइए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, लिख के आई है। पहला हेडिंग लगाओ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तुम लोग घर से आया, कोई भी घर का ठेकुआ सब लेके कुछ नहीं आया, ऐसे ही आ गया खाली हाथ। अरे बेगूसराय वाला, तुम तो मेरे तरफ का है, तुम तो मेरा ध्यान रखता। ये लगता है जहानाबाद वाला है, ये लोग कौन साउथ बिहार का हो गया ना, हम लोग नॉर्थ वाले हैं ना, तो कम से कम नॉर्थ वाला तो नॉर्थ का ध्यान रखता ना तुम। अच्छा रूम पे लेके आया है, यहाँ लेके नहीं आया, तुम लोग लेके नहीं आई। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको भी देना, तो घर में नहीं होता है। और तुम लोग रोहित, तुम्हारे घर में भी नहीं हुआ था, झूठ बोलेगा, आ जाओ आ जाओ, झूठ बोलेगा, झूठ बोल रहा है तुम। है तो उसको भी खिलाना, जिसके इसके घर में नहीं हुआ था उसको उसको भी खिलाना, तुम्हारे घर में हुआ था तो तुम भी ले गया। खैर देखिए, यहाँ पे पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, नाम इसका क्या है, दूसरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट बना था दुनिया में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट से पहले कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था जिससे हम लोग करंट मेजर कर सकते थे या फिर वोल्टेज मेजर कर सकते थे। सबसे पहले जो करंट या वोल्टेज या पावर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए उसका नाम क्या रखे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अभी के टाइम में तुमको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत ही स्टैंडर्ड रीडिंग देता है, ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए बहुत ध्यान से मेजरमेंट करना पड़ता है। इसमें देखो तो लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर रेयरली यूज, इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं, और ज्यादातर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लेबोरेटरीज में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, लेबोरेटरीज में, हम लोग लेबोरेटरीज में यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का। अभी के टाइम में बेसिकली काम ये है कि जो नया इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जो सेकेंडरी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, नया इंस्ट्रूमेंट जो बना रहे हैं उसमें जो स्केल देंगे, उसमें स्केल दिखाएंगे ना, इस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होगा, उस स्केल पर कहाँ कहाँ पे 0 रखना है, कहाँ पे 1 रखना है, कहाँ पे 2 रखना है, यानी बेसिकली उसको कैलिब्रेट करने के लिए। तुम लोग सुना होगा, हम भी बोले हैं क्लास में बहुत बार कि उस स्केल को हम लोग कैलिब्रेटेड स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड स्केल क्यों कहते हैं सर, कैलिब्रेटेड कहने का मतलब होता है कि उस स्केल पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लिखा हुआ है वो किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके लिखा है, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से क्या हुआ है, कंपेयर करके लिखा हुआ है। वो जो कंपेयर करने का काम है ना उसे कैलिब्रेशन बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। इसलिए अक्सर सुनोगे कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्केल को ओनली स्केल नहीं कह के कैलिब्रेटेड स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल। अगर स्केल कैलिब्रेटेड है उस पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसके रीडिंग पे भरोसा कर सकते हो, और स्केल तुम्हारा कैलिब्रेटेड नहीं है तो उसके रीडिंग पे भरोसा नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इंची है ना, उस इंची पे क्या होता है, 0 से लेकर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके यहाँ तक 15 तक लिखा होता है। अगर इसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से या स्टैंडर्ड स्केल से कंपेयर करके 0 से 15 तक लिखे तो ये कैलिब्रेटेड स्केल हो गया। क्या हो गया, कैलिब्रेटेड स्केल हो गया। अब तुम अपने मन से कहीं पे 0 डाल दो, कहीं पे 1 डाल दो, कहीं पे 2 डाल दो, तो क्या वो कैलिब्रेटेड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर होके आया उस पर हम लोग बहुत आसानी से भरोसा कर लेंगे, लेकिन तुम अपने हाथ से बना के देगा तो उस पर थोड़ा भरोसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे होता है कैलिब्रेटेड और विदाउट कैलिब्रेटेड।
तो कैलिब्रेशन करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए, नया इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। अब होता क्या है, किस तरीके से रीडिंग देता है ये, इसके डेफिनेशन में पढ़ोगे तो कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, गिव्स द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, अननोन क्वांटिटी को मेजरांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजरांड, एम ई ए एस यू आर ए एन डी, यहाँ पे ए एन डी है, मेजर्ड नहीं, मेजरांड। तो हमारे पास जो मेजरांड है, अननोन क्वांटिटी है, उसका जो वैल्यू देता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, वो किसके टर्म्स में देता है, तो इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, अभी दिखाएंगे, अभी एक एग्जांपल लेंगे आगे, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म्स में देता है और डेफ्लेक्शन के टर्म्स में देता है, किसके टर्म्स में देता है, डेफ्लेक्शन, ठीक है। डेफ्लेक्शन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक स्केल है, इसमें ये तुम्हारा स्केल हो गया, इसके साथ में लगा हुआ है पॉइंटर, पॉइंटर अभी जीरो पे है, अब यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, अब ये पॉइंटर जो है इनिशियली कहाँ पर रहेगा, पॉइंटर इनिशियली कहाँ पर रहेगा, जीरो पे, पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट से जब कोई रीडिंग नहीं लगेगा तो पॉइंटर कहाँ पर रहेगा, जीरो पे। जब इसको जैसे ही सर्किट में लगाओगे तो पॉइंटर क्या होगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये पॉइंटर अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करके मान लो पहुंचा तीन पे, कहाँ पहुंचा, तीन पे, क्या एक एंगल बना, बना एंगल, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, या सिंपल उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग देता है वो किस किस टर्म्स में देता है, डिफ्लेक्शन के टर्म्स में और इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म्स में। अब इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के अंदर फ्लक्स डेंसिटी आएगा, ठीक है, और भी कुछ कुछ टर्म्स आएगा, अभी आगे दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या समझे, बेसिकली कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो दो टर्म्स में देता है, पहला इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म्स में और डिफ्लेक्शन के टर्म्स में। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रेयरली यूज करते हैं, इसका यूज जो है ज्यादातर लेबोरेटरीज में किया जाता है, और इसको अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ कैलिब्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कैलिब्रेशन करने के लिए यूज करते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट का द्वारा जो रीडिंग मिलता है वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग होता है, बहुत ही एक्यूरेट या फिर स्टैंडर्ड रीडिंग होता है हमारा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है सर, इसके एग्जाम्पल में देखिए आपको तीन एग्जाम्पल दिखाए हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एक होता है हमारा रियलेस करंट बैलेंसर, रियलेस करंट बैलेंसर, उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये सब हमारा कौन सा किसका एग्जाम्पल है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का, जो बेसिकली किस किस टर्म्स में रीडिंग देगा, तो डिफ्लेक्शन और इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंट के टर्म्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिए गैल्वेनोमीटर में, देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एग्जाम्पल लिए हैं, क्या कह रहा है इसमें कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड्स द करंट इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। हमारा जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ये क्या प्रोवाइड करता है, करंट, क्या प्रोवाइड करता है, करंट, किस टर्म्स में, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, किस टर्म्स में, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेन थीटा, टेंजेंट मतलब क्या, टेन थीटा, टेन, टेंजेंट मतलब क्या, टेन, और किसका टेंजेंट है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो क्या लग जाएगा, थीटा, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, कहाँ पे, ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर यूज्ड, उसके साथ साथ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फिर क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर यूज, जितना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और जितना नंबर ऑफ टर्न्स यूज हुआ है, वो सब बेसिकली हो गया इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंट, क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंट, थीटा हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लिया, नंबर ऑफ टर्न्स लिया, ये सब क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी भी लगाए हुए हैं, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे K, क्या लेंगे, कांस्टेंट K, देखो यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं K, कांस्टेंट लिए तो I बराबर K tan थीटा, अब जो K है इसका वैल्यू होता है 2R by BH by mu naught into N, क्या होता है 2R by BH by mu naught into N into tan थीटा, तो ये जो जितना पार्ट देख रहे हो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से जब कंपैरिजन करने का काम किया जाता है, तो कंपैरिजन करते टाइम,
कंपेरिजन करते टाइम हम लोग को बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है। और याद होगा तुमको बताए थे कि जब रीडिंग हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो उस रीडिंग में एरर बहुत कम होता है। याद है हम लोग टाइप्स ऑफ मेथड पढ़े थे? टाइप्स ऑफ मेथड में दो टाइप का मेथड था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, रीडिंग मिल गया था। इनडायरेक्ट मेथड में क्या किए थे कि उससे कनेक्टेड जो भी पैरामीटर्स है उन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किए थे या मेजर कर लिए थे, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या देख रहे हो, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज हो रहा है, एक डिफ्लेक्शन एंगल मिला, एक डिफ्लेक्शन एंगल मिला, उसके बाद बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लग रहा है, एच हो गया फील्ड इंटेंसिटी, एच क्या हो गया फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट क्या हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एच क्या हो गया सॉरी एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, टू तो कांस्टेंट है, और आर हो गया रेडियस, आर क्या हो गया रेडियस, जो क्वाइल है क्वाइल का क्या हो गया वो रेडियस। तो इन सारे टर्म्स को लिया, डिफ्लेक्शन लिया, अब कैलकुलेट किया, अब क्या किया कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जाके तुमको क्या मिला रीडिंग मिला। ठीक है, इसलिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग क्या होता है, बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। और इसको वही यूज कर सकता है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है मेजरमेंट का, एक नॉर्मल इंसान एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट रीडिंग तो मिल नहीं रहा है। वहां पे क्या है कि डिफ्लेक्शन दिखा, चलो 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, अब 30 डिग्री के बाद अब उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना फील्ड इंटेंसिटी है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, परमिटिव फ्री स्पेस कितना है, सब लेना पड़ेगा, फिर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन जाके रीडिंग मिलेगा। इसलिए इसको कोई भी एक नॉर्मल इंसान यूज नहीं कर सकता, इसको यूज करने के लिए एक स्किल्ड स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली यूज किया जाता है। लेबोरेटरीज के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, किसी लैब में आप देख सकते हैं, आपके अपने कॉलेज के लैब में हो सकता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज मोस्टली हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। बात है समझ में? चलो उदाहरण फिर या लिखते जाओ, समझते जाओगे बाद में उदाहरोगे। पूरा समझा दें, पूरा इंस्ट्रूमेंट समझा दें। चलो वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी में आएगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब, जो भी तुम अपने गांव में देखते हो या अपने आसपास देखते हो, सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। कड़ी को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड पहले बना होगा ना, अब उस स्टैंडर्ड को मार्केट में नहीं लाते हैं, उससे कंपेयर करके जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको मार्केट में लाते हैं। ठीक है, तो वो सब जितना इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे आसपास में दिखता है सब का सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से या किसी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके बनाया गया है, और जैसे ही कंपेयर करके बनाएंगे तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख लो, अरे जमीन नापते हैं, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, लिखते चलो। और ऑनलाइन वालों, नीतीश जायसवाल कह रहा है कि सर हम ठेकवाले कर आए हैं, तो क्लास में ले गया था ना। लकी गुप्ता हेलो हेलो। काजल सर ये क्लास कितने देर तक होगा? ये क्लास होगा 10:30 बजे तक एटलीस्ट, कम से कम 10:30 तक तो होगा ही, तो जल्दी उतारो। तो भाई सामने तुमको दिख नहीं रहा है, जब फोटो किसके लिख रहा है, तुम जो है क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रहा था। हाँ झूठ बोलेगा,
क्लास स्टार्ट होगा तब जाएंगे, ऑनलाइन दिखेगा कि हाँ क्लास अब स्टार्ट हो गया है, तब क्लास जाएंगे। अच्छा इतना कम काहे आया है? कॉलेज जाना है तुम लोग को? हाँ मेजरांड। हाँ मेजरांड, MESURAND, कॉलेज जाना है रोहित, तुम लोग को जाना है कॉलेज, डेली जाना पड़ता है चाहे पढ़ाई हो या ना हो, क्या होता है पढ़ाई। लैब में छेड़छाड़ करता है, हाँ ऐप से देख कर लिखी थी। हाँ ऐप पे तो ये वाला नोट्स नहीं है, ऐप पे ये वाला नोट्स है नहीं, ऐप पे लिखा हैंड हुआ रिटन था। नोट्स है। तुम्हारा ईसी का कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अभी? अच्छा ये कम्युनिकेशन शब्द मान लीजिए। तो कम्युनिकेशन ऑनलाइन कर लेगा, लाइव होगा उसको। चलो उतर लिया, और ऑनलाइन ऑनलाइन वालों उधार लिया तुम लोग, बड़े आगे। अच्छा क्या सकती है यहाँ पे? पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि आपको पता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, कंपेयर करके बनाते हैं, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके बनाया जाता है, कैलिब्रेशन करके बनाया जाता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखो लिखा हुआ इसमें क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली, दीज इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कैलिब्रेटेड बाई कंपेरिजन विथ आइदर एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और विथ अनदर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट विथ द ऑलरेडी कैलिब्रेटेड बिफोर द यूज, ठीक है। क्या बोला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये गिव देता है मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी टू बी मेजर, जिस भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करना है उसको डायरेक्टली मेजर करके देता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को डायरेक्टली मेजर करके दे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट।
इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, किससे कैलिब्रेट करते हैं, तो आइदर या तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, या तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, या अनदर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से जो ऑलरेडी क्या हो गया है, कैलिब्रेट हो गया, इसको ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड बना चुके हैं, उससे भी कैलिब्रेट कर सकते हो, या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हो। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है जनरली प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में इसी का यूज करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर चाहे आपका एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वाट मीटर हो, एनर्जी मीटर हो, ये सब सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। समझा, चलो उतारो जल्दी। किसी भी स्टैंडर्ड से कर सकते हैं, जो पहले से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया ना, उससे कर सकते हैं। कैलिब्रेशन करने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है, जैसे हमारे पास एमीटर है, एमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर है, कैलिब्रेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक आएगा कैलिब्रेशन, तो हाँ बताइए कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन का क्या जरूरत होगा, क्या जरूरत है, किस इंस्ट्रूमेंट को किससे कैलिब्रेट करते हैं, और सबसे लास्ट में टॉपिक है वो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा और नीचे करें, ये कह रहा है सर लिख लेंगे, आगे बढ़िए। सही कह रहा है, चलो सही, आधा घंटा है ही हमारे पास, देख लेते जितना हो जाए इसमें लिख लेना, तुम लोग नोट्स हैं तुम लोगों के पास तो भेज देंगे, कहोगे तो भेज देंगे। चलो, अब हमारे पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग समझ गए कि जो इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली रीडिंग को, अननोन क्वांटिटी को मेजर कर ले, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब जैसा कि आपको बताए थे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, कितने पार्टें बांटे हैं, तीन पार्ट में, कौन कौन सा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीनों के नाम से ही पता चल रहा था, इंडिकेटिंग, इतना हंस क्यों रहा है उसमें, तो तब से देख रहे हैं कि हमको देख देख के मुस्कुरा रहा है, क्या हुआ है, अच्छा इसलिए खुश हो गया। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ओनली क्या करे, रीडिंग को इंडिकेट करे, मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद रीडिंग को ओनली इंडिकेट कर दिया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे तुम्हारा एमीटर, कोई भी एमीटर है वो क्या है, तुम्हारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जितना सारा रीडिंग आ रहा है, सारे रीडिंग को जोड़ के तुमको रीडिंग देता है। जैसे तुम्हारा एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में क्या है कि एक महीने में कितना तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, सारे इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ के, सारे बिजली का यूनिट जोड़ के लास्ट में तुमको एक रीडिंग देता है कि एक महीने में तुम इतना यूज करो। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रीडिंग को जोड़ के, सारे वैल्यूज को जोड़ के रीडिंग दे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी टोटल सम होता है, पढ़ा होगा तुम लोग, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल सम। कभी कभी हम लोग एसी के अंदर भी क्या करते हैं, जैसे एक पूरा इंटरवल था, याद है आरएमएस वैल्यू निकाले थे, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक छोटे से पार्ट का हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे, और एक इंटरवल, एक साइकिल 0 से 2 पाई तक क्या कर दिए थे, इंटीग्रेट कर दिए थे, तो टोटल साइकिल में कितना सम था वो निकल गया था, और नीचे पूरा से टोटल इंटरवल से डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो सेम इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है क्या, टोटल सम करना। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा, ये रीडिंग को जोड़ के देगा, सम करके देगा, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल में आपका जैसे एनर्जी मीटर है, एम्पियर आवर मीटर होता है, यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि सर जहां जहां पे एनर्जी मेजरमेंट हो रहा है, जहां जहां पे क्या मेजरमेंट हो रहा है, एनर्जी मेजरमेंट हो रहा है, वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं।
थर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपके पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग को मेजर करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर ले, तो रीडिंग को मेजर करने के साथ साथ क्या कर ले, रिकॉर्ड भी कर ले, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुमको एग्जाम्पल भी दिए थे याद होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ईसीजी मशीन जो होता है जो हार्ट बीट चेक करता है, ठीक है। उस हार्ट बीट में क्या होता है, तुम लोग देखा होगा कि वहां पर एक स्क्रीन लगा होता है, ठीक है, और उस स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। जैसे ही ये सीधा हो गया तो आदमी, तो ये बेसिकली कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा हमारे पास ईसीजी मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग को मेजर करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेता है, ठीक है, अपने पास स्टोर करके भी रखता है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एनर्जी मीटर को एक अलग पार्ट में ही बांट दिया गया, एनर्जी मीटर को एक अलग पार्ट में बांट दिया गया कि रीडिंग को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड भी करता है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन इसको एक अलग नाम देते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रीडिंग को जोड़ के दे दिया, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग जोड़ के थोड़ी मिलता है, रीडिंग जो हुआ एट ए टाइम दिखा दिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि रीडिंग लिया, एक दिन का रीडिंग लिया, अगले दिन फिर आया तो उसको जोड़ दिया, फिर आया तो उसको जोड़ता चला गया। रीडिंग क्या होता है, जोड़ता चला जाता है, इसलिए इसका अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आगे जितना इंस्ट्रूमेंट जितना रीडिंग हुआ रिकॉर्ड कर लिया, फिर रीडिंग आया रिकॉर्ड कर लिया, रीडिंग आया रिकॉर्ड कर लिया, तुमको वहां पे पूरा रीडिंग दिखेगा। अगर मान लो कि पूरे एक मंथ का कोई चार्ट बना रहे हो तो उस चार्ट में हर जगह का पॉइंट दिखेगा। लेकिन एनर्जी मीटर में क्या है कि लास्ट के एक मंथ में टोटल तुम इतना खपत, तुम्हारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है ये थोड़ी दिखाएगा कि 1 तारीख को तुम 5 यूनिट यूज किया था, 2 तारीख को 10 यूनिट यूज किया, ये नहीं दिखाता है। वो दिखाता है कि 1 महीने के अंत में तुम 100 यूनिट यूज किया, 100 यूनिट का पैसा दो। लेकिन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि हर पॉइंट पर का रीडिंग है उसके पास, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट पे हर एक पॉइंट का रीडिंग है, हर एक पॉइंट का रिकॉर्डिंग है उसके पास, ठीक है। तो एक रिकॉर्डिंग का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटिंग का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, और इंडिकेटिंग का भी अपना अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हाँ, हमारा एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, देखो लिखा हुआ है। तुम जैसे एक बोले सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, अब तुम कोई कोई होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली दे देता है, कोई कोई होता है 1 साल में देता है, तो डिपेंड करता है उस देने वाले पे। नहीं, हट नहीं जाएगा, उतना तक वो सेटल हो जाएगा, उतना तक वो सेटल हो जाएगा। मान लो कि 1 मंथ में यूज किया तुम 100 यूनिट, ठीक है, तो 100 यूनिट का पैसा दे दिया, अगले मंथ में फिर यूज किया तुम 100 यूनिट, तो टोटल 200 हो गया, लेकिन 100 का तुम पैसा दे रखा है, तो अब तुमको 100 का ही देना पड़ेगा। उसके पास वो हिसाब रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास वो हिसाब रहता है, ठीक है। ये थोड़ी है कि पूरा 200 200 का पैसा लेगा, ऐसा नहीं, जितना दे दिया है वो सेटल्ड हो गया, उतना का पैसा अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा 5,000 फी है, अब 2,000 तुम दे दिया एक बार, तो अगले बार 3,000 देगा ना, अगला फिर से 5,000 देगा, फिर ये बात होता है। कहाँ पे है इसका मतलब, तुम्हारा मीटर खराब है क्या? बोला सही कह रहा है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा परेशानी में पड़ जाओगे, अगर चेकिंग में पकड़ा जाएगा ना तो बहुत बड़ा परेशानी। तुम्हारे घर से बिजली बिल आता ही नहीं होगा, देता है बिजली बिल किस बेसिस पे? निकालने आता है मीटर को अच्छा, मीटर की रीडिंग में खराबी है लेकिन वो मेजरमेंट कर रहा है अंदर, तब ठीक है, लेकिन उसको ठीक करवा लो जितना जल्दी हो सके, उसको ठीक करवा लो, ठीक है। चलिए तो किसका बात कर रहे थे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। मीटर सबसे छेड़छाड़ करो तो बड़ा होशियारी से, ठीक है, अगर मीटर सबसे छेड़छाड़ कर रहे हो तो होशियारी से, तो पकड़ा जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे, ठीक है। जैसे घर में हमारे, हम लोग पटना में तो रूम लेके रहते हैं, ठीक है, और मकान मालिक रूम बिजली बिल का, जो बिजली बिल के लिए मीटर लगा देता है और 9 रुपया 8 रुपया यूनिट लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, लेकिन होशियारी से, ये पकड़ा गए तो फिर मकान मालिक से भी जाओगे,
मकान मालिक तो से तुम जाओगे और मकान मालिक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाएगा। तो ध्यान से करना है सर, मकान मालिक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं जाएगा क्योंकि उसके घर में एक मेन मीटर लगा हुआ है, वो पूरा जोड़ के बिजली को माप रहा है। तुम खेल के आए तो फिर मकान मालिक से सुनोगे। मीटर बाईपास होता है, ठीक है। अब बाईपास कैसे होता है ये सीखना, सोचना या फिर सर्च करना कि मीटर को बाईपास कैसे करते हैं। है कर लिया बाईपास, बाईपास कर लोगे ना तो मीटर ऑन रहेगा लेकिन उसमें रीडिंग नहीं देगा, बढ़ेगा ही नहीं। मीटर मीटर ऑन है, अब बीच में तुम बाईपास कर देता होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे। खैर देखिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहा है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वैल्यू को इंडिकेट करता है जब आप उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द इंडिकेशन आर गिवन बाई पॉइंटर। इंडिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है, पॉइंटर के द्वारा। और पॉइंटर कहाँ पे मूव करता है, कैलिब्रेटेड स्केल पे। अभी दिखाए ना कि हमारा पॉइंटर है, ये हमारा स्केल हो गया, ये पॉइंटर हो गया। इस स्केल पे क्या होता है, पॉइंटर मूव करता है। उसी स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिब्रेटेड स्केल। एग्जाम्पल में आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहा है देखिए। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल अमाउंट आइदर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का एक टोटल अमाउंट को मेजर करे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, ठीक है, कि हमको कितने टाइम तक उसको यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में एनर्जी मीटर और एम्पेयर आवर मीटर। इसमें देखो एक और पॉइंट लिखा है, द समेशन गिव बाय सच इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। एक टाइम और जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उस दोनों का मल्टीपल होता है। इसे यूनिट है, यूनिट में क्या होता है, किलो वाट आवर। तो पावर और टाइम को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है सर, तो बस इंडिकेट करने के साथ साथ क्या कर लेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच कीप ए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी ऑब्जर्व ओवर ए डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे मान लो 1 दिन के लिए है, 1 घंटे के लिए है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अननोन क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के साथ साथ रिकॉर्ड करता जा रहा है, मेजर करने के साथ साथ रिकॉर्ड करता जा रहा है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नहीं, इंटीग्रेट नहीं करता, बस रिकॉर्ड करता जाता है कि हाँ इस एक एक सेकंड पे इतना है, दूसरे सेकंड पे इतना है, तीसरे सेकंड पे इतना है, चौथे सेकंड पे इतना है। अब वो जोड़ने का काम वो नहीं करने का वो नहीं करेगा, जोड़ने का काम जो मेजर कर रहा है वो कर सकता है, ठीक है। पुराने टाइम में जो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता था, एक अलग ही टाइप का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता था। अभी हमारे पास तो सब कुछ डिजिटली हो गया है, डिजिटली मेजर कर देता है, लेकिन पुराने टाइम में एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता था। तुम लोग देखा होगा कि एक पहले टाइपिंग मशीन आता था, टाइपराइटर आता था, अभी भी यूज होता है लेकिन बहुत कम। अभी तुमको देखेगा बस कोर्ट सब में जाओगे ना, ठीक है, कोर्ट सब में जाओगे तो वहां पर जो टाइपराइटर सब होता है वही पुराना टाइपराइटर रखता है, और उसके पास एगो पेज होता है, और उस पेज पे जैसे ए टाइप करेगा तो ए वहां रिकॉर्ड हो जाएगा, बी टाइप करेगा तो बी वहां लिखा जाएगा, सी दबाएगा तो सी वहां लिखा जाएगा। उसके ऐसे इस तरीके से एक पेन लगा होता है, यहाँ से ए टाइप किया तो पेन क्या, पेन जो है ए पर जाएगा और ए को दबा देगा, ठीक है। बी टाइप किया तो पेन जो है बी पर जाएगा, बी को दबा देगा। एक टाइप किया तो एक पर जाएगा, एक को दबा देगा, ठीक है। जैसे ही एक को दबाएगा तो सामने लगा हुआ है पेपर, सामने क्या लगा हुआ है, पेपर। और उस पेपर जो ये दबाएगा पेन, जिस चीज पर दबाएगा उसके साथ इंक भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंक। अब इंक के साथ में है ये दबाया तो इंक लगा हुआ है उसमें, तो वहां पे ए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बी पे दबाया तो बी प्रिंट हो जाएगा, दो पे दबाया तो दो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा वहां पे टाइपराइटर में यूज करते थे, तो पुराने टाइम में जो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट था वहां पर भी सेम बात था। सामने एक पेपर लगा होता था, ठीक है, और पीछे एक पेन, स्टाइलस बोलते हैं उसको, क्या, जैसे ये पेन है ना, इसको स्टाइलस कहा जाता है। इस पेन को क्या बोलते हैं,
इस पेन को बेसिकली हम लोग स्टाइलस पेन कहते हैं, ठीक है। अब पुराने टाइम में जो पेन था वो भी एक तरह का स्टाइलस ही था, लेकिन उसके सामने इंक लगा होता था, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, अब क्या है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे ईसीजी का, किसका एग्जांपल लिए, ईसीजी का। ईसीजी मशीन तो अभी डिजिटल आता है, डिजिटली वो उसको करता है, लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि ईसीजी मशीन के अंदर एक उसी तरीके से पेज बना हुआ था, ठीक है, और उस पेज के पीछे एक इंक्ड पेन था, इंक्ड पेन भी कह सकते हो या स्टाइलस पेन कह सकते हो। अब ईसीजी मशीन काम कर रहा है तो लगातार डाटा रिकॉर्ड करना है, तो ईसीजी मशीन लगा इंक्ड पेन के साथ में। अब जैसे वो मेजरमेंट होता गया, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है पीछे आ रहा है, टच कर रहा है पीछे आ रहा है, टच कर रहा है पीछे आ रहा है, इस तरीके से क्या होता था, ग्राफ वहां पर फॉर्म होता था, ठीक है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते थे उस टाइम पे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पहले वो उस टाइप से बनता था, लेकिन अभी के टाइम में सब क्या हो गया है, डिजिटल हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन सच इंस्ट्रूमेंट्स द मूविंग सिस्टम कैरीड इंक्ड पेन। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक मूविंग सिस्टम होता था, और उसके पास क्या लगा था, उसके साथ में क्या लगा होता था, एक इंक्ड पेन जिसके अंदर इंक होता था, जिसको हम लोग स्टाइलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइलस। Which touches lightly a sheet of paper, जो क्या होता है, बहुत ही धीरे से एक पेपर पे क्या होता है, टच करता है, ठीक है, और टच करके एक ग्राफ फॉर्म करता है या फिर एक वेव फॉर्म बनाता है। देखो वहां पे लिखा हुआ है, lightly a sheet of paper wrapped over a drum, जो किसी एक ड्रम के ऊपर क्या हुआ है, लपेटा हुआ है। पेपर के बारे में कह रहा है, पेपर एक ड्रम के ऊपर लपेटा हुआ है। इंक्ड पेन क्या होता है, भाई बहुत धीरे 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 इस पर टच करते जाता है और ग्राफ को फॉर्म करते जाता है। ड्रम मूविंग सिस्टम विथ यूनिफॉर्म स्लो मोशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। दस एक कर्व इज ट्रेस्ड, उससे तुम्हारा एक कर्व बना, एक कर्व का फॉर्मेशन हुआ। Which shows the variation in the magnitude of electrical quantity under observation over a definite period of time. एक definite period of time में electrical quantity का value कब कितना हो रहा है, ये तुमको वहां से उस graph paper पर से या जो curve trace हुआ है, curve जो बना है उस curve से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा AC waveform ही है ना, AC waveform। अब जो ये AC waveform बना, तो तुमको याद होगा पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। याद होगा फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में हम लोग क्या किए थे कि बेसिकली ये जो फेजर रिप्रेजेंटेशन था, इस फेजर रिप्रेजेंटेशन में हमारा एसी ही बना था, याद है, फेजर रिप्रेजेंटेशन में एसी ही बना था। एसी बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे कि कुछ इस तरीके से था, अब हर एक पॉइंट मिलता गया था, याद है, कुछ इस तरीके से पॉइंट मिलता गया था, और बाद में सारे पॉइंट को क्या कर दिए थे, मैच कर दिए थे। तो वहां पे भी क्या हुआ कि हर एक पॉइंट मिलता जाएगा, जैसे स्टाइलस पेन है, इंक्ड पेन है, यहाँ पे है, टच किया, फिर 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 टच किया, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक ग्राफ का फॉर्म हो रहा है, एक कर्व का ट्रेस हो रहा है, और उससे तुमको जो रीडिंग चाहिए एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में जितना रीडिंग चाहिए उतना रीडिंग तुमको मिल जाएगा। अब किस टाइम पे कितना वैल्यू है वो चीज तुम पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे T1 पे कितना करंट होगा, T2 पे कितना करंट होगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यही काम किसका था उस टाइम पे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा यूज नहीं करते हैं, अभी के टाइम में तो डिजिटली सब यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ECG मशीन आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम मसल्स कैसे काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये भी एक टाइप का टेस्ट होता है जो ब्रेन को चेक किया जाता है कि ब्रेन तुम्हारा किस ढंग से काम कर रहा है, कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है या कभी हाइपर हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। इस सब चीज़ को पता करने के लिए अपने माइंड का तुम एक चेकअप करवा सकते हो, क्या करा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसेफेलोग्राम, क्या करवाना पड़ेगा इंसेफेलोग्राम, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट तो मेडिकल सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, जैसे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर टाइप रिकॉर्डर, XY रिकॉर्डर, पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर, ये सब तुम्हारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। अभी के टाइम में यूज नहीं किया जाता है ये सब इंस्ट्रूमेंट, हम लोग अभी यूज नहीं करते क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सब क्या था, पुराने टाइम का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट था,
जिसमें पेन पेपर लगाओ, इंक पेन लगाओ, स्टाइलस लगाओ। लेकिन अभी क्या है कि एक मॉनिटर लगा दो, तुमको रीडिंग मिल जाएगा कि किस जगह पे कितना रीडिंग है। ठीक है, ये सब पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन याद रखना पड़ता है, पहले पुरानी चीज के बारे में जानेंगे तब नई चीज के बारे में जानेंगे, पहले इतिहास पढ़ेंगे तब ना मॉडर्न चीज जो हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट जो है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़े हम लोग, कौन कौन सा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटरग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। बोलो यहाँ तक कुछ पूछना है? और रिकॉर्डिंग है ये दोनों इंटरग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग है वो इंडिकेटिंग होगा दोनों कह सकते हो, वो इंडिकेटिंग का भी एक तरीके से इंडिकेट भी कर रहा है, लेकिन जो इंडिकेटिंग है वो इंटरग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग को इंडिकेटिंग इंटरग्रेटिंग कह सकते हैं, क्योंकि इंडिकेट करने का भी काम तो कर रहा है। ठीक है, तो कहा जा सकता है, लेकिन इंडिकेटिंग को हम लोग इंटरग्रेटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं कह सकते। राज दीक्षित पूछ रहा है कि सर ये क्लास इलेक्ट्रिकल का हो रहा है क्या? ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में भी मेजरमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मेजरमेंट पढ़ना है, इसलिए क्लास दोनों का चल रहा है। सर ग्रुप बी का क्लास कब से स्टार्ट होगा? ग्रुप बी का स्टार्ट क्लास हो चुका है, कल भी क्लास हुआ था। चलो और कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा टाइप था, इसमें कुछ पूछना है किसी को? इंस्ट्रूमेंट का टाइप है, नाम है, काम भी होगा कुछ। चलिए आगे बढ़े, ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम है, इतना नाम का तरीका वैल्यू याद रखो, कौन क्या करता है, बस दो चार को नाम याद रखो, एग्जाम में पूछेगा तो लिख देंगे। ठीक है, ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है, ये सब अभी कहीं पे तुमको यूज नहीं किया जाता है। अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डिजिटल यूज करते हैं, बस एक नॉलेज होना चाहिए कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैसा होता था। जब तक एनालॉग के बारे में नहीं सीखोगे डिजिटल समझ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले एनालॉग का प्रिंसिपल समझते हैं, एनालॉग के बारे में समझते हैं, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकली देखने जाओगे ना मार्केट में, तो कहीं पर भी एनालॉग देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह क्या देखने को मिलेगा, डिजिटल देखने को मिलेगा। ठीक है, डिजिटल आसान भी होता है, उसमें समझना आसान होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग समझना क्या होता है, आसान होता है। सर इसी के सिलेबस में नहीं है इसलिए पूछते हैं। देखो इसी के सिलेबस में यूनिट वन में बहुत कुछ नहीं है, यूनिट वन में चार पांच को टॉपिक ही लिखा हुआ है, अगर उसी चार पांच को टॉपिक को पढ़ा दे इसी में, तो दो क्लास में इसी का चैप्टर वन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में क्या है, कॉमन है। समझ गया राज दीक्षित? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा कौन सा टाइप था, अब इसमें तो है ही नहीं वो टाइप। ये हो गया, चलो आगे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द सिग्नल, तो सिग्नल के आधार पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का, कौन कौन सा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको ये बताओ एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। बता रोहित क्या देख रहा है फोन में, बताओ क्या होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट, देखिए सही बोला, तुम भी सही बोली। एनालॉग सिग्नल क्या होता है सर, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस रीडिंग दे, या जो कंटिन्यूअसली चलता रहे, जो क्या है कंटिन्यूअसली चलता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। जैसे तुम इस घड़ी को देखोगे, इस घड़ी में सेकंड का सुई क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, कभी जीरो, कभी वन, कभी टू, कभी थ्री, फोर, फाइव, एक कंटिन्यूअस, यानी कुछ इस तरीके से रीडिंग चलता है। एनालॉग में बात करें तो कुछ इस तरीके से रीडिंग चलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैसे भी चल सकता है, बस वो कंटिन्यूअस जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, कंटिन्यूअस जाना चाहिए, तो वैसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल।
एक होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, बेसिकली डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहने का मतलब है कि टूटा हुआ, ऐसा टूटा हुआ। कभी कुछ बड़ा मिलेगा, कभी छोटा मिलेगा, कभी छोटा बड़ा, इस तरीके से टूटा हुआ सिग्नल। जैसे तुम्हारे पास जो डिजिटल वॉच होता है उसमें तुम नोटिस करोगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्या होता है, रीडिंग टूट टूट के मिलता है। और यहाँ पे इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जहाँ पे रीडिंग कंटिन्यूअसली चले, यहाँ पे रीडिंग क्या हो, कंटिन्यूअसली चले, जहाँ पे सिग्नल कंटिन्यूअसली चले, वैसे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और जहाँ पे जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट होके चले, डिस्क्रीट फॉर्म में जाए, किस फॉर्म में जाए, डिस्क्रीट फॉर्म में जाए, वैसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल। तो जो इंस्ट्रूमेंट एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रीट सिग्नल पे बेस्ड होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड हो या जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे बेस्ड हो, इस पे बेस्ड हो, कंटिन्यूअस सिग्नल पे बेस्ड हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। और जो डिस्क्रीट सिग्नल पे बेस्ड हो, ठीक है, उसको हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, तो जो भी पॉइंटर वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, पॉइंटर। जैसे तुम लोग देखा होगा कि पॉइंटर वाला एमीटर आता है, तो उसमें क्या होता है कि जब मेजर करोगे उससे, तो क्या होगा, पहले ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर जाके एक जगह जाके रुकेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करोगे, तो इसे हुआ 10, तो 10 रीडिंग शो कर दिया 10, 15 तो रीडिंग शो कर दिया 15, 20 तो रीडिंग शो कर दिया 20। लेकिन एनालॉग सिग्नल में क्या है, कंटिन्यूअसली ऐसे गया, फिर एक जगह आके वो रुका। लेकिन डिजिटल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि टूटा हुआ सिग्नल है, उसमें डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो बस एक रीडिंग दे दिया। भले टाइम ले सकता है 2-3 सेकंड का ले वो, लेकिन रीडिंग तुमको एक ही बार में टूटा हुआ रीडिंग दे देगा, डिस्क्रीट रीडिंग दे देगा। तो वैसे सिग्नल को या वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये जो तुम्हारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम लोग 7 सेगमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 7 सेगमेंट का, 7 सेगमेंट। अब ये 7 सेगमेंट क्या होता है सर, देख तुम लोग देखा होगा कि कैलकुलेटर आता है, और कैलकुलेटर में कुछ इस तरीके से होता है, गिनो क्या गो हुआ, 7 गो हुआ। अब इसमें अगर 1 शो करना होगा तो क्या करेगा, सिर्फ ये दोनों लाल होगा, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। 2 शो करना होगा तो ऐसे होगा, और यहां से ये हट जाएगा, और यहां से ये, मतलब ये लाल नहीं होगा। ठीक है, यानी 7 सेगमेंट से 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, 8 हो गया ये, और 9 भी बना सकते हो, और लास्ट में चाहो तो 0 भी बना सकते हो। ठीक है, यानी तुम्हारा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस सिग्नल पे बेस्ड होता है, डिस्क्रीट सिग्नल पे, और उसके अंदर किसका यूज करते हैं, 7 सेगमेंट प्रिंसिपल का। देखो यहाँ पे लिखा होगा, इसका यूज करते हैं 7 सेगमेंट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अगर किसी के हाथ में डिजिटल वॉच है तो तुम अपने डिजिटल वॉच में भी नोटिस कर सकते हो कि अगर पूरा वो 0 की तरह होता है, पूरा देखो उसमें 0 की तरह होता है, 1 रहेगा तो सिर्फ लास्ट का 2 को जलेगा, 2 वाला तो 2 के फॉर्म में जलेगा, 3 आएगा तो 3 के फॉर्म में जलेगा। यानी वो 7 सेगमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है और डिस्क्रीट फॉर्म में काम कर रहा है। किस फॉर्म में काम कर रहा है, डिस्क्रीट फॉर्म। देखो लिखा हुआ भी है कि द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स आउटपुट दैट वेरीज कंटिन्यूअसली एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नोन एज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंटिन्यूअस आउटपुट पे बेस्ड हो, इस पे बेस्ड हो, कंटिन्यूअस आउटपुट पे बेस्ड हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, जो एनालॉग टाइप है,
मीटर तुम्हारा डिजिटल टाइप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो कौन से टाइप का बात कर रहे हैं, एनालॉग टाइप का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉइंटर यूज किया जाता है। ठीक है, इन द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट द पॉइंटर इज यूज। ठीक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला सर, द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैज एन आउटपुट विच वेरीज इन डिस्क्रीट फॉर्म। किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में या डिजिटल आउटपुट हो, जो डिस्क्रीट फॉर्म में वेरी करे या डिजिटल आउटपुट दे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल अमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल वाट मीटर, ये सब कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। और किस पे बेस्ड होता है ये, सेवन सेगमेंट प्रिंसिपल पे। ठीक, अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफरेंसेस होता है। ठीक है, उस डिफरेंसेस को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दो टर्म के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, दो टर्म के बारे में समझेंगे। एक है तुम्हारा एक्यूरेसी, दूसरा है तुम्हारा प्रिसीजन। इसको लिखना है तुम लोग को, सेवन सेगमेंट के बारे में कॉपी में लिखा होगा, नोट्स में लिखा होगा, है लिखा हुआ, तुम तो ऑनलाइन लिया नहीं है तो ऑनलाइन नोट्स कहाँ से देखता है। खैर, किसका बात कर रहे थे, एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो टर्म है हमारे पास, क्या क्या, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इसी का सिलेबस यहीं से स्टार्ट हुआ है, क्या होता है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीजन। आगे दोबारा फिर से आएगा ये, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोबारा फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए दिखा रहे हैं। और राज दीक्षित देखो, तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसी वाला है कोई, वो कोई इसी वाले, कोई नहीं है इसी वाला, सब चला गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के बहुत बच्चा है ऑनलाइन में, देखो 5-7 को है यहाँ पे लाइव में। सबको लाइव भी चाहिए लेकिन देखना रिकॉर्डेड ही चाहिए, लाइव ही है लेकिन देखना रिकॉर्डेड है। बात करते हैं एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। तुम दोनों को लग रहा है कि सर दोनों तो एक ही चीज होता है, ऐसा लग रहा है, नाम सुना है एक्यूरेसी, शुद्धता, नहीं शुद्धता नहीं होता एक्यूरेसी का मतलब। एक्यूरेसी का हिंदी क्या होता है बता रहो भाई, शुद्धता हिंदी होता है प्रिसीजन का, एक्यूरेसी क्या होता है, दोनों का हिंदी निकालो जरा, एक्यूरेसी का हिंदी क्या होगा, प्रिसीजन का हिंदी क्या होगा। किसी को हिंदी नहीं आता है, सब मोबाइल खोल लिया है। अच्छा, एक्यूरेसी का मतलब ये शुद्धता होता है और प्रिसीजन का मतलब, जब तक तुम्हारा नेट खुलेगा ना तब तक ये लोग निकाल लेगा। अच्छा, किसका मतलब, और एक्यूरेसी परिशुद्धता, लिख लेना तो। एक्यूरेसी मतलब बड़ी शुद्ध, देखना सही लिख रहे हैं ना, परिशुद्धता यही होता है ना, ठीक लिखे है ना। और ये यथार्थता, यथार्थता, हाँ तो ठीक लिखे है ना, यथार्थता। धीरे धीरे हिंदी भूलते जा रहे हैं। चलो, एगो है परिशुद्धता, शुद्धता में परी लगा दिया है, दूसरा है यथार्थता। अब इसके नाम से तुम पता नहीं चल, समझ समझ नाम से समझ नहीं पाओगे कि सर क्या होता है परिशुद्धता, ही तो इंग्लिश से भी टफ हो गया। एक्यूरेसी बोलना आसान है, परिशुद्धता बोलना थोड़ा टफ हो जा रहा है, प्रिसीजन बोलना भी आसान है, यथार्थता बोलना थोड़ा टफ हो जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी इंग्लिश आसान हो जाता है, नहीं हम लोग बचपन में थे तो बचपन में बहुत ज्यादा अंग्रेजी वर्ड बोलते थे लेकिन पता नहीं होता था कि अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, तुम लोग को याद है कोई ऐसा वर्ड बताओ, क्रिकेट स्टेशन, स्टैंड और फैशन, टाइम, तो सब अंग्रेजी वर्ड है लेकिन बचपन में हम लोग हिंदी समझते थे इसको। ठीक
ठीक है, हमारे पापा लोग अंग्रेजी बोलते थे लेकिन उनको पता नहीं होता था कि अंग्रेजी वर्ड है। खैर, क्या होता है एक्यूरेसी, क्या होता है प्रिसिजन, देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ रीडिंग। जैसे मान लो कि एक्यूरेट रीडिंग है 10 एम्पियर, एक्यूरेट रीडिंग कितना है 10 एम्पियर। अब तुम मेजर किया तो मेजर करने के बाद पता चला कि रीडिंग आया 9.9 एम्पियर, कितना आया 9.9 एम्पियर, या आया 9.8 एम्पियर, या आया 10.1 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक्चुअल रीडिंग से बहुत एक्यूरेट है, 10 होता तो 100% एक्यूरेट होता, लेकिन यहाँ पे 99% एक्यूरेट है, 98% एक्यूरेट है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं एक्यूरेसी। यानी एक्चुअल रीडिंग से जितना ज्यादा क्लोज होगा, एक्चुअल रीडिंग से जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा एक्यूरेट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। देखो लिखा हुआ भी है, इफ मेजर वैल्यू लाइज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, हमारा ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर्ड किए हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, ट्रू वैल्यू का क्या हो नजदीक हो, तो उसी को क्या बोलते हैं एक्यूरेसी के। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। जब इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फिर से पढ़ेंगे एक्यूरेसी के बारे में। अभी पहले इसके बारे में समझ लो कि अगर जितना एक्चुअल रीडिंग का क्लोज होगा, जितना ट्रू वैल्यू से क्लोज होगा वही क्या होता है एक्यूरेसी होता है। अब प्रिसीजन क्या होता है सर, यथार्थता क्या होता है। ठीक है, यथार्थता के बारे में कहता है कि मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट से 5 बार रीडिंग लिया, कितने बार रीडिंग लिया 5 बार, ट्रू वैल्यू है 10, ट्रू कितना है 10, लेकिन 5 बार रीडिंग लिया तो एक बार आया 9.8, एक बार आया 8.8, एक बार आया 9, एक बार आया 7.8, एक बार आ गया 11, कितना आ गया 11। तो क्या दिख रहा है, 10 के कोई एक बहुत नजदीक है, कोई एक बहुत दूर है, 10 के कोई एक बहुत नजदीक है तो कोई एक बहुत दूर है। यानी 5 बार रीडिंग लिया और 5 रीडिंग क्या हो गया अलग अलग हो गया, अलग अलग रीडिंग आया। अब क्या किए, एक दूसरे ऑब्जर्वर को बोला या दूसरे टेक्नीशियन को बुलाए या तुम्हारे क्लास में से ही 2 बच्चा बुलाए, जैसे एक बार इसको बुलाए, तुमको क्या नाम है तुम्हारा, छोड़ो तुमको नहीं बुला रहे हैं, मेरा नाम खराब करेगा, तुम्हारा नाम क्या है करण, करण को बुलाए, करण को बुलाए तो करण ये 5 को रीडिंग लिया। अब बुलाए सुमित को, किसको बुलाए सुमित को, सुमित जो क्या किया रीडिंग जो लिया, एक बार लिया तो 9.9 आया, दूसरे बार रीडिंग लिया तो आया 9.8, तीसरे बार आया 10.1, उसके बाद आया 9.85, फिर आया 9.95। यहां से क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यहां पर जो रीडिंग आया 5 को रीडिंग, ये ट्रू वैल्यू से सारा रीडिंग बहुत क्लोज है, कोई 0.1 से क्लोज है, कोई 0.2 से क्लोज है, 0.5 से क्लोज है। ठीक है, ट्रू वैल्यू से क्या है बहुत क्लोज है, यानी लगभग सारा वैल्यू लगभग लगभग बराबर है, पांचों वैल्यू क्या है लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ पे प्रिसाइज्ड वैल्यू मिला, क्या मिला प्रिसाइज्ड वैल्यू मिला, तो यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बराबर लगातार रीडिंग लेने पे, रिपीट तौर पे रीडिंग लेने पे बराबर बराबर रीडिंग दे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देंगे कि बहुत प्रिसाइज्ड है, या वही आपका क्या होता है प्रिसीजन होता है। आज समझ में आया कि रीडिंग जितना क्लोज है, समझाइकरण, रीडिंग जितना क्लोज है उससे एक्यूरेसी मिलेगा, और रीडिंग जितना पास मतलब अगर रीडिंग रिपीट कर रहा है, रीडिंग क्या है रिपीट कर रहा है, तो उससे क्या मिलेगा प्रिसीजन मिलेगा। ठीक है, अब रिपीट में जरूरी नहीं है कि 10 के नजदीक ही मिले, अब रिपीट में ये हो सकता है कि एक बार 8 मिला, एक बार 8.1 मिला, एक बार 7.9 मिला, एक बार 7.92 मिला, एक बार 8.01 मिला, ये क्या है 8 के ही आसपास घूम रहा है, 8 के ही आसपास क्या हो रहा है घूम रहा है, तो ये प्रिसाइज है, इसमें प्रिसीजन है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है ये,
एक्चुअल वैल्यू क्लोज है वो नहीं है, तो रीडिंग रिपीट कर जाता है तो प्रिसिजन कह देते हैं, भले वो एक्चुअल वैल्यू के वैल्यू का क्लोज हो या फिर ना हो। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं सर कि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज्ड हो सकता है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज्ड हो सकता है, जैसे ये प्रिसाइज्ड भी है और एक्चुअल वैल्यू के नजदीक में भी है, तो ये प्रिसाइज के साथ साथ एक्यूरेट भी है, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं, इसलिए नीचे टर्म पर होगा लिखा है कि एक्यूरेसी इज द गारंटी ऑफ प्रिसीजन, एक्यूरेसी प्रिसाइज हो सकता है बट प्रिसीजन प्रिसीजन तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा है कि प्रिसीजन इज द नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी प्रिसीजन का गारंटी ले सकता है बट प्रिसीजन एक्यूरेसी का गारंटी नहीं लेता है, ले भी सकता है लेकिन ऐसा कोई सर्टन कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट है और रीडिंग रिपीट कर रहा है तो वो हो सकता है, लेकिन रीडिंग रिपीट कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो जाए। एक एट है तो पांचों बार अलग अलग ही क्यों ना, 8.1 हो, 8.01 हो, 8.02 पांचों बार अगर बहुत कम वेरिएशन है रिपीट कर रहा है तो प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, 7 के आसपास भी हो सकता है, 6 के आसपास भी हो सकता है। ठीक है, बस रिपीट करना चाहिए, रीडिंग क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, तो उससे तुमको प्रिसीजन मिलेगा और ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो एक्यूरेसी मिलेगा। याद रखिएगा कि एक्यूरेसी इज द गारंटी ऑफ प्रिसीजन बट प्रिसीजन इज द नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। पता क्या समझो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अभी डिफरेंस में भी लिखेंगे। ठीक है, तीनों से कंपेयर करके नहीं, तीनों रीडिंग को देखेंगे, तीनों रीडिंग लगभग लगभग बहुत कम कम का डिफरेंस है तो प्रिसाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस लंबा लंबा है तो प्रिसाइज्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब इसमें देखिए एक इसमें एनालॉग और डिजिटल में कुछ डिफरेंसेस, प्रिसीजन बस चेक करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब उसमें जो ट्रू वैल्यू का सबसे ज्यादा क्लोज है, जैसे मान लो कि 5 गो रीडिंग लिए थे ऊपर में, एगो आया था 9.8, एगो 8.5, एगो 7.9, तो जो ट्रू वैल्यू से सबसे ज्यादा क्लोज हो गया वो रीडिंग हो गया तुम्हारा, बट वो प्रिसाइज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रिसाइज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज होना भी बहुत जरूरी है। तुम बार बार 5 गो रीडिंग नहीं लेगा ना, बार बार मेजरमेंट करेगा तो क्या 5 गो रीडिंग लेगा, नहीं लेगा, कोई एक ही बार रीडिंग लेगा। ठीक है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट होना भी जरूरी है और प्रिसाइज होना भी जरूरी है। जैसे अभी मेजरमेंट कर रहे हो तो अभी मिले 10 के आसपास, और 2 घंटे बाद कर रहे हो तभी क्या मिले, 10 के आसपास मिले। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब ये नहीं कि बस अभी करके छोड़ दिए, प्रिसीजन का मतलब है कि पूरे दिन में 5 बार मेजरमेंट हो रहा है तो 5 बार रीडिंग क्या हो, सेम हो। इसलिए कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, टाइम है अपने पास, 10:30 गया, कॉलेज जाना है तो पढ़ लो 1 घंटा और। कितना बजे क्लास स्टार्ट हो, 11 बजे स्टार्ट हो जाओ, 11 बजा भी नहीं है, कॉलेज क्या बजाना है, 10:30 से जाना है। चलो ठीक, तो लिख के आना कम से कम जहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसमें दोनों के बीच डिफरेंस बचा, फिर ये तीनों टाइप का इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद ये दोनों टाइप का, फिर ये दोनों टाइप का, और ये लगभग आधे घंटे या 40 से 45 मिनट में ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट नहीं है, पीडीएफ तो है सबके पास, ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में नोट्स सब ऑनलाइन सबको मिला हुआ है, ऐसा है जो किसी को ऑनलाइन नहीं मिला हुआ है, आज तुम एडमिशन नहीं लिया हुआ अभी तक, चलो एडमिशन लो जल्दी। और ऑनलाइन वालों, यूट्यूब वालों, कुछ पूछना है तुम लोगों को, कुछ नहीं पूछना, चलिए, थैंक यू।